प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे क्या वो आ जाएंगे बहुत डांटे ना मुझे भी। अब तुम यहाँ से जाओ, आप जाओ, आप उससे बाद में बात कर, नंबर दे दो फिर अपना, एक बार कह दो प्यार करते हो बस मैं चला दूंगा। कैसे कर देगी मेरे सामने? एक बार बोल दो शना तुम मेरे को पसंद नहीं, चलो सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सोना, इस चैनल का होस्ट और तुम्हारा दोस्त। सो गाइस फाइनली आ चुका अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ यार, मैंने एक बार सनासनू को प्रैंक किया था, मैंने दोबारा प्रैंक किया। सो गाइस मैं एक्चुअल में शूट करने गया था, वो मुझे अचानक से रैंडमली दिख गई, उनकी मम्मी भी साथ में थी। सो गाइस मैंने कर दिया उसके ऊपर प्रैंक। और हाँ यार, एक बात दोबारा फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा इस वीडियो से कोई जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के माध्यम के लिए है। सो प्लीज कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें, जाओ और वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, कोई जाति धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हेलो गाइज, यार मैंने पहले मैंने एक वीडियो की थी सना हाशमी के साथ, वो मोमडन गर्ल जिसके ऊपर मैंने प्रैंक किया था। मैं अभी घूमने आया था पार्क के अंदर, शूट करने आया था। रियलिटी बताऊँ तो वो लड़की ना बैठी हुई है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ गाइज। चुपके से भाई अमन, नमन नमन, कैमरा साइड कर दिखा एक बार। दिखे मेरे पास लेगा कैमरा। अब गाइज मुझे नहीं पता उनकी मम्मी है कोई है, जो कुछ भी है, मैंने एक बार पहले प्रैंक कर चुका, मैं दोबारा जानू प्रैंक करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। भाई कैमरा साथ में लेके आता, मेरे साथ में ले गई हो। डर लग रहा है यार, डर लग रहा है, पता नहीं कौन होगी। हैंटी कौन हो? जानता हूँ मैं इनको। हाय सना, आंटी नमस्ते। तो यहाँ पे मतलब प्रैंक शूट कर रहे थे, उस दिन आई थी अपनी फ्रेंडों के साथ, तो इन्होंने प्रैंक शूट करा था, फिर बताया। हाँ हाँ, तो ये वही है। तो आंटी मैम, मैंने ना पहले एक बार ये आए होंगे शायद किसी काम से, तो मैं ना प्रैंक करता हूँ, वीडियोस बना दूँ। ठीक है, कैसे बोलिए, आप क्या कर रहे हो? बोलो। अभी मैं आंटी कोई वीडियो बनाने नहीं आया अभी। पक्का ना? आप लोग झूठ भी। अरे देख लो यार, कैमरा कहीं नहीं है, तुम देख लो, चेक कर लो ना, कैमरा कहीं नहीं है। आंटी मेरे को ना ये जब मैं पहले मतलब मिला था ना, तो पहले ही मेरे को ना अच्छे लगते हैं ये। अच्छा? हाँ, पहले भी मैंने वो प्रैंक। ऐसी बात है क्या यार? ऐसे मत बोलो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब अम्मी है तो मैं क्या बताऊँ सना, मैं देखो मैंने झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, मुझे पसंद नहीं, ऐसे बसाती नहीं करूँगी लड़की अपनी। आंटी देखो, ठीक है आपकी बेटी है तो मैंने कुछ बोला थोड़ी, मैं तो बता रहा हूँ आपको। देखो आंटी ठीक है, मैंने कुछ बोला तो नहीं अभी, मेरे को तो बस अच्छे लगे ना, मैं बताए ठीक है अच्छे लगे तो उसका मतलब ये हुआ शादी करते हैं फटाफट से, बस देखो कि सब्जी को तब करूंगी ना मैं। सना आप ऐसे क्यों झुक रखे हो यार? अम्मी है मेरी, बात तो ये है ना, ये क्यों सर बात करो मेरे सामने, क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहा है ये सना? तुम यार आप ना चले जाओ यहाँ से, प्लीज। क्या बात है बेटा, जाओ यहाँ से जल्दी। बेटे को आंटी देखो मेरी बात सुनो। नहीं मुझे बेटी की शादी ऐसे नहीं करनी, मुझे मेरे को देखना पड़ेगा। आंटी मैं देखो मेरी बात तो सुनो, मैं पहली बार मैंने जब पहली बार आया था ना, कुछ नहीं सुनना मेरे को बेटे से ना, कुछ देखो सना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मना कर देना, लेकिन देखो एक रियलिटी क्या है, मैं पहले आपके साथ मैंने किया था प्रैंक, तो मेरे को ना मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन से मेरे को ना रियलिटी में तो मैं ढूंढ रहा था, और आज आप मिल गए। तो देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, माइक वगैरह चेक कर सकते हो ना कोई आसपास, देखो कैमरा वैमरा तुम देख लो आंटी, आप भी देख लो, कहीं वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं कैमरा नहीं है दिखा आपको। बस यही बात है, मेरे को ना ये अच्छे लगे मेरे को, इसीलिए ना मैंने कोई वीडियो का कोई चक्कर नहीं है मेरा, मेरे को दिल से अच्छे लगे, इसीलिए ना मैं मेरे को मेरा मन था आपसे मिलने का। शना आप ना डरो मत, मैं हूँ ना। क्या फिर भी आप मेरी अम्मी के सामने ऐसे बोल रहे हो? अब आंटी देखो मैं झूठ तो बोल नहीं रहा आपको, दिल की बात नहीं बोल सकता क्या किसी को? नहीं नहीं, मैं इनके पापा से ही बात, मतलब इनके अम्मा से बात करूँगी ना, और ऐसे बात थोड़ा कर दूँगी। इनकी अब्बू से बात करोगे? बिल्कुल बात। आपके अब्बू मना कर देंगे क्या? बहुत स्ट्रिक्ट है वो, बहुत तेज है, बहुत गुस्सा, मेरे पर गुस्सा हो जाए खूब तेज। मैं क्या करूँ, आप रहने दो, आप प्लीज जाओ ना, थोड़ा क्यों प्रॉब्लम है आपको पता है हमारी फैमिली के बारे में, वो थोड़ा इशू हो जाएगा। तो मेरे अंदर क्या कमी है आंटी? मैं भी ये भी सना भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो नहीं नहीं मुझे नहीं कर रहा ऐसे, मैं कि अब मुझे बात करूँ, अब मुझे मार मुझे डांटेंगे, कैसे कैसे करते हैं अभी देखो
अभी तो यार मैं भी छोटी हूँ, अभी तो मैं भी पढ़ती हूँ। तो मैंने थोड़ी बोला आपको कि आप मेरे साथ शादी कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ मतलब कि कभी फ्यूचर में कर लेंगे ना। देखो आंटी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को अच्छी लगती है। मम्मी पापा मेरे सब यहीं पे रहते हैं आंटी, मैं पापा का बिजनेस अच्छा खासा, किस पैसों की कमी नहीं है, वो तो मैं शौक शौक में वीडियो बनाता हूँ। वो ठीक है, पैसा बहुत है, लेकिन मैं सोच कर मैं करूँगी ना, इतना कर दूँगी, इतना कर दूँगी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाना है मुझे। पढ़ोगे तुम? अच्छा शना मेरी भाई, एक बार अपना हाथ दिखाओ, एक बार। क्यों क्यों हाथ दिखा दिए? नहीं दिखा मैं। एक बार दिखाओ। नहीं दिखा रहा है, मैं अपनी ऐसा नहीं करूँगी आंटी। हाँ एक बार जाओ, मुझे नहीं बात करवानी आपकी। आप जाओ ना यार, प्लीज जाओ यहाँ से, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे। ये आपको आ जाएंगे, बहुत डांटेंगे मुझे भी। अब तुम यहाँ से जाओ, आप मुझसे बाद में बात कर। नंबर दे दो फिर अपना, एक बार कह दो प्यार करते हो, बस मैं चला जाऊंगा। कैसे कर देगी मेरे सामने? नहीं नहीं मुझे एक बार बोल दो शना, तुम मेरे को पसंद कर। नहीं बिल्कुल जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से चलो। अरे अम्मी जान मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं कैसे बात। मुझे नहीं विश्वास है तेरे पर, जाओ मैं तेरी माँ बाप से मिलूंगी तब बात करूंगी। ठीक है आंटी, माँ बाप से मिले ना शना, एक बार बोल दो बस कि तो आप मेरे को लाइक कर, तो मैं चला जाऊंगा। वो कह तो रही है कि आपके अम्मी अब्बू से बात करेंगी, उसके बाद बता देंगी वो। एक बार हाँ करवा आंटी, शना मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। नंबर तो मेरा उस दिन मैंने लिया था ना आपसे, मैंने देखो आंटी उस दिन से कॉल नहीं की कभी भी, लेकिन इसके अब्बू को पता लग जाएगा तो बहुत मारेगा। शना एक बार ऐसे तो करके दिखा दो, पता है मैं इसका दीवाना हो गया तुम्हारे। क्या क्या कह रही है, क्या बोल रही है? आप रहने दो यार, आप बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार घर पे। आप ये क्या बोल रहे हो? एक बार बोल यार, चलो आप भी बैठ के यहां साथ में, तो एक बार बोल दो शना, बोल ना मेरी लड़की को, चलो यहां से यार, आप प्लीज चले जाओ, प्लीज यार एक बार बोल दो। नहीं चल, उठ के चले जाओ, प्लीज चले जाइए, मैं गुस्सा मत दिखाओ। अभी आप चले जाइए, तुम मेरे को प्यार करते हो ना, तुम इसके अब्बू आ जाएगा तो मेरे को डांट चलाओ यहां से। मैं टी पर सारी दुनिया से लड़ लूंगा इसके लिए। चलो यहां से, उठ के जाओ, जाइए यहां से, आप जाइए ना यहां से, क्यों नहीं जा रहे यहां से? चलो सब, चलो यहां से हटो, छोड़ो, चलो यहां से जाओ, चलो बस हो गया, तमाशा बहुत कर दिया तुमने, चलो यहां से। सना मेरे को नहीं बात करवानी है। सना बात तो कर लोगे तुम मेरे से एक बार, मेरे नाम मैं बात करोगे ना पक्का? नहीं 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 जाओ तुम यहां से, मोबाइल भी ले लूंगी, अब बात भी नहीं करेगी। मोबाइल मत लेना आंटी, मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाओ यहाँ से, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो आंटी? नहीं नहीं अब जाओ यहाँ से, मेरी मेरे को नहीं कर रही, प्यार हो गया तो मेरी क्या गलती है? नहीं करूंगी मैं, जब तक अपनी माँ से फैमिली से मिलूंगी तब बात करूंगी, अभी जाइए। मेरी फैमिली से बात करे पक्का शादी करा दोगे ना? कराएगी जब देखेंगे पहले फैमिली से बात। अच्छा आंटी एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, छोटी सी बात बताऊँ शना, एक बताऊँ मैं तुम्हें, इधर देखो तो सही, डर क्यों रहे हो? जैसे मैं उस दिन प्रैंक कर रहा था ना, फिर मत कहना। वैसे ही आज भी प्रैंक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ आंटी, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता। तो फिर मजाक क्यों कर रहे थे ऐसा? हम भी हंसने लगी, देख लो आंटी। पहले वीडियो में शूट की थी मैंने, दोबारा कर दी इनके साथ, और देखो साइड में वो दिख रहा है यार, वो लगा रखा है, वो कहाँ है, कहाँ है वो? पेड़ के पीछे, झाड़ियों के पीछे दो तीन लड़के खड़े हैं, वो कैमरा लगा हुआ, हाय कर दो यार। यार आप फिर से आए हो परेशान करने। वैसे आंटी मेरे को सही में अच्छी लगती है। एक छोटी